हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब के चैनल में। और दोस्तों, अगर आपके पास पोको M2 Pro का फ़ोन है और अगर आपके फ़ोन में बैटरी ड्रेन का प्रॉब्लम आ रहा है, यहाँ पे आपके फ़ोन में बैटरी जो है बहुत जल्दी ड्रेन हो रही है, तो इस वीडियो में गाइस मैं आप सभी को बताने वाला हूँ कि कैसे आपको इस प्रॉब्लम को सॉल्व करनी है। तो चलिए गाइस वीडियो स्टार्ट करते हैं, मैं आप सभी को बताता हूँ। तो यहाँ पे आपको इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले तो गाइज आप सभी लोग अपने फ़ोन को एक बार रिबूट करिए, या तो फिर रिस्टार्ट करिए, या तो फिर अपने फ़ोन को स्विच ऑफ करके दोबारा से ऑन कर लीजिए। तो कभी कभी ऐसा करने से ये सारी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाती है। और अगर गाइज अगर आप अपने फ़ोन को जो है लोकल चार्जर से चार्ज करते हैं, यानी कि जो भी मार्केट में जो सस्ते चार्जर होते हैं उससे अगर आप सभी लोग अपने फ़ोन को चार्ज कर रहे हैं, तब ये प्रॉब्लम आपको देखने को मिलती है। तो गाइस आपको ऐसा नहीं करना है, आपको ओरिजिनल चार्जर का यूज़ करना है जो कि आपको पोको के फ़ोन में मिलता है। और अगर वो ख़राब हो चुका है तो आप जो है ओरिजिनल कंपनी का ही चार्जर को यूज़ करिए, वरना आपको ऐसा ही ड्रेन का प्रॉब्लम आएगी। और आपको सस्ते चार्जर का बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है जो कि 50-100 रुपये मिलता है, तो ऐसे चार्जर को आपको बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है, क्योंकि ऐसे चार्जर में ही आपको प्रॉब्लम आती है। और एक बात का ध्यान रखिए गाइज, हो सकता है आपने अपने फ़ोन को बहुत दिनों से अपडेट नहीं किया हुआ है, तो आप अपडेट कर लीजिए। तो कभी कभी ऐसा होता है कि अपडेट करने के बाद ये प्रॉब्लम आती है, और कभी कभी ऐसा होता है कि अगर आपने अपडेट नहीं किया रहता बहुत दिनों से अपने फ़ोन को, तो भी ये प्रॉब्लम आती है। तो आप अपडेट करके देखिए अगर आपने अपडेट नहीं किया हुआ है, और अगर इस तरीके से प्रॉब्लम आ रही है तो आप एक बार अपडेट करके ज़रूर देखिए। तो इसी तरीके से गाइज आप सभी लोग जो है इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए।